हेलो 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 एंड वेलकम बैक कैसे हैं आप लोग एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आइए शुरुआत करते हैं सेमीकंडक्टर्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक तो सारी बातें हमको आज करनी है सेमीकंडक्टर्स पे बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आएंगे सीधे काम की बातों पर हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जो बेस्ड है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरा इलेक्ट्रो जो आपने पढ़ा ये कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को और अब जो आप पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ये है लाइफ चेंजिंग डिस्कशन जिसने एक पूरी सेंचुरी के जीवन जीने के तरीके को चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कवरी के पहले नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कोई बात इंसान को नहीं पता थी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा वास्ट हुआ करती थी बड़ी हुआ करती थी सर्किट्स बड़े बड़े होते थे लेकिन इसके बाद एमिकंडक्टर्स के ज़रिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए चिप्स आई छोटी छोटी डिवाइज़ आई यू एस और आपको मालूम है कि अब अगर एक टी तक का भी डेटा स्टोर करना है तो आप इतने स्पेस में उसको स्टोर कर सकते हैं इजेंट इट लेकिन पहले के अगर आप कंप्यूटर्स वगैरह की बात करेंगे तो उसमें एक रूम बराबर साइज़ हुआ करता था सीपीयू का और बड़ी बड़ी कैसेट्स होती थी एनीवेज तो ये डिस्कशन कहाँ से शुरू होता है और हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करता है आइए करते हैं शुरुआत जैसे जैसे हम चैप्टर को समझेंगे वैसे वैसे आप इसको अप्रिशिएट करेंगे तो सबसे पहली बात हमने कही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये किस पे बेस्ड है कोई भी डिवाइस एनी डिवाइस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका एक्शन बेस्ड है कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे थ्रू इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती है क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच फिजिक्स की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज से डील करती है वो कहलाएगी क्या वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स चलिए बहुत शानदार डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे अब सबसे कॉमन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वो है वैक्यूम ट्यूब सर कहाँ देखी हमने वैक्यूम ट्यूब आपने अगर पुराने वाले टेलीविजन देखे हैं जिसमें बड़े बड़े ऐसे पीछे डब्बे होते थे तो वो क्या होता था वो वैक्यूम ट्यूब ही होता था ओके तो पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पहली कैटेगरी में कहूँगा आपके सामने आ रही है क्या वैक्यूम ट्यूब डिवाइजेज और दूसरी होती है सॉलिड स्टेट डिवाइज जो कि हम लोग समझेंगे आज डिटेल में ठीक है तो वैक्यूम ट्यूब में डायोड ट्रायोड, ट्रायोड पेंटोड्स आते हैं बहुत ज़्यादा विस्तार में इसमें जाना नहीं है इसका अगर मैं वर्किंग बताऊं तो एक वैक्यूम ट्यूब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाते हैं और सर्किट कंप्लीट करके हम लोग एक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो से कुछ जो है आउटपुट जज करेंगे अब देखिए क्या बातें चल रही हैं सब इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर एज फॉलोज इन वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर ऑप्टेन फ्रॉम हीटेड कैथोड कैथोड को आपने इतनी तेजी से इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट किया कि वो फिलामेंट जो है उसने इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू कर दिया हमने कौन सा चैप्टर था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में भी बात की थी कि यदि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना हो यदि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना हो तो तीन तरीके हैं एक है थर्मियोनिक एमिशन एक है फोटो एमिशन और एक फील्ड एमिशन यहां पे हम करते हैं थर्मियोनिक एमिशन ओके तो वैक्यूम ट्यूब में आपने क्या किया कैथोड को हीट किया एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द वोल्टेज बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स आई होप के पहला पॉइंट क्लियर है शॉर्ट में बताता जा रहा हूं थियोरिटिकल पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कभी कहीं पूछ ले वैसे तो नहीं पूछी जाएंगी ये बातें फिर भी कभी कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं ओके चलिए पॉइंट अ वैक्यूम इज नेसेसरी इन द इंटर इलेक्ट्रोड रीजन सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स मे नॉट लूज देयर एनर्जी ऑन कोलाइडिंग विद द एयर मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ मतलब कि ये जो रूम है यदि यहां पे मैं एक फिलामेंट लगा दूं तो आग लग जाएगी जल जाएगी फिलामेंट समझ रहे हैं पूरा सेटअप डिस्ट्रॉय हो जाएगा वैक्यूम क्यों ज़रूरी है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका साइज़ जो है बहुत छोटा है और एयर पार्टिकल्स वो भी बहुत छोटे हैं और वो इतनी तेजी से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कि वो एयर पार्टिकल्स से टकरा के वो कोलिजन्स जो हैं एक इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं रहा होगा ना एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन जब एयर पार्टिकल से टकराएंगे तो बहुत हीटिंग होगी बहुत हीट डेवलप होगी जिसकी वजह से रिस्की हो सकता है सेटअप दैट्स वाई वी नीड टूब इसलिए हमको चाहिए वैक्यूम ट्यूब ओके सो दैट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज देयर एनर्जी ऑन कोलाइडिंग विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर अच्छी बात है एज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड सो वैक्यूम ट्यूब्स आर ट्यूबो नोन एज वैक्यूम वॉल्व ओके वॉल्व बेसिकली क्या करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करता है फिर वो चाहे पानी का वॉल्व हो या इस ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसको हमने वॉल्व कहा क्यों बिकॉज इट इज़ मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बल्कि एंड कंज्यूम्स हाई पावर एंड ऑपरेशनल वोल्टेज हमको मालूम है पुराने वाले टेलीविजन का साइज़ क्या होता था इट यूज़ टू बी दिस बिग और आजकल जो एल आ गई हैं कितनी पतली हैं इतना बल्कि सेटअप है तो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा रिस्की है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है बहुत लंबी लाइफ नहीं है इस वजह से ये पूरी टेक्नोलॉजी जो है ओवरकम कर दी गई ओके सॉलिड स्टेट डिवाइज से दे हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो रिलायबिलिटी ये लिमिटेशन हैं वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज के और इसी के कारण जो है ये टेक्नोलॉजी अब इतनी ज्यादा यूज में नहीं है ओके okay. अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के फ्लो थ्रू सॉलिड स्टेट इन सच डिवाइस द कैरियर्स फ्लो थ्रू सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर क्या होते हैं सेमी कंडक्टर अगर हम मटीरियल्स को क्लासीफाई करें तो मटीरियल्स को हम कैसे क्लासीफाई करते, है? करते हैं मटीरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं एज इंसुलेटर एंड कंडक्टर हमको मालूम है कि इंसुलेटर कौन होता है जो कंडक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर पॉसिबल नहीं है वो इंसुलेटर है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इंसुलेटर है जिसको हम सर्किट में ए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो इंसुलेटर है और कंडक्टर कौन है जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है लेकिन इन्हीं के बीच में एक मटीरियल ऐसा है एक सिस्टम ऐसा है जो कि डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल कंडीशंस कंडक्शन शो करेगा और इंसुलेशन शो करेगा वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर बड़ी अच्छी बात है तो यही हमको समझना है अब यही हमको समझना है सर सेमीकंडक्टर क्या होता है सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है किस मटेरियल से बना होता है कार्बन का भाई होता है कार्बन फैमिली में से आप किसी को भी ले लीजिए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ओके तो ये इस तरह के मटेरियल्स को हम यूज करेंगे सेमी बनाने के लिए अब एक बात आप समझ लीजिए एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की या कार्बन की या इसके किसी भी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमको ये मालूम है कि इनके जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो इलेक्ट्रॉन अगर आप इसकी कॉन्फिग्रेशन लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करें सिलिकॉन की तो आई थिंक इसका नंबर फोर्टीन होता है वन फोर तो आप इसका क्या कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स कितने हो गए आठ दो दस दस चार और चाहिए थ्री एस टू थ्री पी टू ओके बहुत अच्छी बात है जब आप एक सिलिकॉन की बात कर रहे हैं जब आप एक सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं आप बता सकते हैं कि अच्छा ये एनर्जी लेवल 3s2 का ये एनर्जी लेवल 3p2 का है मतलब अगर मैं इसको बनाने जाऊं, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इनके एनर्जी लेवल्स को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये देखो ये वन एस टू है ये टू एस टू है ये टू पी सिक्स है ये थ्री एस टू है ये थ्री पी टू है या वॉट एवर है ना आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन जब ये क्या है ये एनर्जी लेवल्स है और ये इंटर एटॉमिक स्पेस है लिख देता हूँ देखेंगे हम ये डायग्राम डिटेल में देखेंगे इंटर एटॉमिक स्पेस है लेकिन जब आप दो सिलिकॉन एटम्स की बात करें और उनको आप नज़दीक लेके आए तो उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में कोइंसाइड करती हैं और फिर डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स नहीं बचते हैं मतलब मैं अगर एक सिलिकॉन की बात करूं और अगर मैं ग्रुप ऑफ सिलिकॉन की बात करूं तो उसमें अंतर आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में अंतर आएगा उसके एनर्जी लेवल में अंतर आएगा अगर मैं एक एक ग्राम सिलिकॉन की भी बात करूं तो उसमें तो एन नंबर ऑफ सिलिकॉन आइटम्स हैं तो जब हम उनको मिलाते हैं जब उनको हम लोग एक साथ देखते हैं तब उनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस क्रिएट होता है कैसे होता है क्या होता है क्यों होता है ये डिटेल में हम लोग समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अभी हमने बातें शुरू की थी सॉलिड स्टेट सेमी की तो इनके क्या फीचर्स होते हैं शॉर्ट में देखते चलेंगे इन अ सेमी कंडक्टर डिवाइस सिंपल एक्साइटेशन लाइक हीट लाइट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ कैरियर्स अब ये कैरियर्स क्या होते हैं कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और एक और कैरियर आप, आप देखने वाले हैं वो है होल ओके होल क्या है होल इज वैकेंसी खालीपन ठीक है रिक्तता कैरियर्स फ्लो इन दॉलिड इट द फ्लो ऑफ चार्जेस एज रिक्वायर्ड इन द वैक्यूम ट्यूब वैक्यूम ट्यूब की अगर आप बात करें तो वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम ट्यूब में हमें वैक्यूम चाहिए हाई वोल्टेज चाहिए इलेक्ट्रॉन uh, को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे खुद ब खुद मैकेनिज़्म चलेगा कैसे समझेंगे अभी सेमी कंडक्टर डिवाइजेज़ आर स्मॉल इन साइज़ कंज्यूम लो पावर लो ऑपरेशनल कॉस्ट इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी कैथोड हीटिंग हीटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है आसानी से चालू और आसानी से बंद कर सकते हैं लॉन्ग लाइफ होती है और रिलायबल होता है ये बेनिफिट्स हैं सॉलिड स्टेट डिवाइजेज़ के ओवर द वैक्यूम ट्यूब इसलिए मैंने कहा था कि वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई इसने उसकी जगह ले ली हम्म? चलिए बातें आगे बढ़ाते हैं सर मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं मटेरियल्स को हम सॉलिड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल इंसुलेटर और सेमी देखो मैंने सेमी के बारे में क्या कहा कि इनका इनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है देख लो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँ मेटल के लिए कंडक्टिविटी की बात करूँ इंसुलेटर के लिए अब आप देखो कंडक्टिविटी और सेमी किस रेंज में है इनके बीच में कहीं है सेम विद द रजिस्टिविटी ओके सेम विद द रजिस्टिविटी ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बातें बढ़ाते हैं आगे क्लासिफिकेशन की बात करें सेमीकंडक्टर की तो दो तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर जो कि प्योरली एक तरह के मटेरियल से बना है एलिमेंट से बना है जैसे कि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन हम लोग यूज़ नहीं करते मोस्टली सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि कार्बन का साइज़ कंपेरेटिवली छोटा है सिलिकॉन जर्मेनियम आसानी से हम लोग डील कर सकते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर नाम आपको पता होना चाहिए इनऑर्गेनिक में कैडमियम सल्फाइड गेलियम आर्सेनाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर में पॉलीपायरोल ये नाम आपको पता होना चाहिए ओके लिख लीजिए चाहे तो लिख लो हम्म, लिख लिया अब इसके बाद हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक इंट्रेंसिक का मतलब होता है प्योर इंटरसिक का मतलब होता है प्योर प्योर सेमीकंडक्टर हैं है और इसमें जो इंप्योरिटी होती है वो एक पीपीएम से भी कम होती है इसकी जो इंप्योरिटी होती है वो एक पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन से भी कम है आप देख रहे हैं कितनी लेवल ऑफ प्योरिटी है वन पार्ट पर मिलियन मिलियन यानी दस लाख दस लाख में एक इंप्योरिटी तो बढ़िया अमाउंट है बढ़िया रेशो ये तो यदि ऐसा है तो ये कहलाएगा क्या ये कहलाएगा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक की बात करें कंडक्टर ऑप्टेन बाई एडिंग और डोपिंग कंडक्टर एडेड बाई एडिंग और डोपिंग इसको प्योर सेमी कंडक्टर को आप कुछ इम्प्योरिटी एड कर दो कुछ डोपिंग कर दो सर डोपिंग क्यों करनी है बेटा डोपिंग क्यों करते हैं एथलीट डोपिंग क्यों करते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए है ना अभी जैसे मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूं तो ये भी एक तरह से डोपिंग की हुई है क्या नहीं कि आपको जो है कंटिन्यूसली अपना एफिशिएंसी हाई मेंटेन रखनी है तो प्रेजेंटली मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ तो एक तरह से ये भी डोपिंग ही है मतलब सिस्टम में एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ऐड करना तो सर क्या ये कॉफ़ी इम्प्योरिटी है देखो सिस्टम के लिए इम्प्योरिटी है इससे क्या हो रहा है इससे मोमेंटरी परफॉर्मेंस बूस्ट हो रहा है तो वैसे ही अगर हम बात करें वैसे ही अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो सेमीकंडक्टर में भी हम लोग कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं क्यों ऐड करते हैं उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अब अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में बात करें हम्म अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशंस में बात करें मैं आपको सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बताऊं पहले तो यहाँ बना के बता ओके यहाँ देख लेते ब्लैंक पेज ले लेते ये देखो अगर मैं एक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर आपको बना के तो कैसा बनेगा फॉर एग्जांपल अगर ये सिलिकॉन है ओके दिस इज सिलिकॉन दिस इज सिलिकॉन दिस इज सिलिकॉन ठीक है ये सिलिकॉन के कॉन्स्टिटूंट्स हैं क्रिस्टल लेटेस्ट स्ट्रक्चर इसका इमेजिन कीजिए और हमको मालूम है कि वैलेंसी कितनी होती है वैलेंसी होती है चार वैलेंसी कितनी होती है वैलेंसी होती है चार है ना कार्बन की वैलेंसी चार कार्बन के भाइयों की वैलेंसी चार तो जरा समझो 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 ये सिलिकॉन है सिलिकॉन है सिलिकॉन है और आप बात कर रहे हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर की प्योर है तो इसके जितनी वैलेंसीज हैं सारी पैक्ड हैं सारी पैक्ड हैं सारी पैक्ड हैं देख रहे हैं आप पैक्ड पैक्ड है ना पैक है पूरा दो दो, 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 दो। बिल्कुल अब क्या होता है समझना जरा बात को ध्यान से इसमें कोई इंप्योरिटी मैंने नहीं मिलाई है इसमें कोई भी इंप्योरिटी मैंने नहीं मिलाई है लेकिन रूम टेंपरेचर पे भी नॉर्मल टेंपरेचर पे भी टी टेंपरेचर पे ही क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और अपनी लोकेशन छोड़ के बाहर निकल जाते हैं अपनी लोकेशन छोड़ के बाहर निकल जाते हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन के जाने से होल क्रिएट हो गया रिक्तता क्रिएट हो गई खालीपन आ गया जीवन ठीक है इस सेमी कंडक्टर की अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला एक होल क्रिएट हुआ होल बेसिकली क्या है होल कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन का चला जाना वही होल कहलाता है इलेक्ट्रॉन निकल गया और होल क्रिएट हो गया ये यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया इस जगह पे ओके okay, तो ये इस लोकेशन पे क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे होल क्रिएट हो गया दिस इज होल दिस इज होल ठीक है ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ नहीं है मतलब होल है ओके okay? तो इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब होल क्रिएट हो गया अब क्या होगा कि जो आसपास के इलेक्ट्रॉन से वो देखेंगे अरे यहाँ पे तो ब्लैंक साइट है एम्प्टी साइट है तो ये इधर जंप कर जाएंगे ये क्या करेंगे ये इधर जंप कर जाएंगे ये क्या करेंगे ये इधर जंप कर जाएंगे और अगर ये इधर जंप करेगा तो यहाँ होल बनेगा ये इधर आ जाएगा इधर जंप करेगा ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा ये उधर चला जाएगा ये उधर चला जाएगा ये उधर चला जाएगा ये उधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट हो गया यानी पूरे सिस्टम में कंडक्शन स्टार्ट हो गया और ये कंडक्शन कैसे स्टार्ट हुआ ये कंडक्शन टेम्परेचर के कारण स्टार्ट हुआ थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण शुरू हुआ ये तो आपने क्या बताया मैकेनिज्म आपने ये बताया मैकेनिज्म में कि जो आपका सिस्टम है जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें भी रूम टेम्परेचर पे जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें भी रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो कि एक्साइट हो गए थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो कि एक्साइड हो गए थे उनको हमने कहा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन उनको हमने क्या कहा उनको हमने कहा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ये देखो दिख रहा है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया उस साइट पे क्या क्रिएट हो गया उस साइट पे होल वाइड रिक्तता ब्लैंक खालीपन क्रिएट हो गया अब इस साइट पे ये तो खाली हो चुका है आसपास के इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स उन साइड्स पे जंप करेंगे और पूरे कहानी में भगदड़ मची रहेगी कंडक्शन स्टार्ट हो गया ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉमूला है जो आपको बताएगा कि किस टेम्परेचर पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको कहानी में तो ये आप ध्यान रखना एन ई यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी टेम्परेचर पे क्या है ये सी सी कॉन्स्टेंट है ई टू दी पावर माइनस ई जी ई जी एनर्जी गैप है डिवाइडेड बाई टू के टी के इज द बोल्ट्समैन मैन कॉन्स्टेंट टी इज द टेम्परेचर ठीक है ध्यान रख लेना काम की बात है टी यू ई टी में नीट में मेन्स में, में बोर्ड में बोर्ड में बहुत कम चांसेज हैं पूछे जाने के लेकिन फिर भी कभी कोई एग्जामिनर आपसे पूछ ले वाइवा वगैरह में कोई पूछ ले है ना तो बैठ के मुँह मत देखना बता देना कि हाँ हमारे मास्टर ने पढ़ाया हमको बोल देना जाके ठीक है चलो तो इसके बाद फिर क्या बोला हमने होल्स होल्स के बारे में क्या कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं पॉजिटिव क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की रिक्तता है ये इलेक्ट्रॉन का खालीपन है ये इलेक्ट्रॉन का चले जाना अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से चला गया ये इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव है ये चला गया तो क्या बन गया पॉजिटिव चार्ज आ गया ना इलेक्ट्रॉन चला गया इलेक्ट्रॉन चला गया कहां चला गया यहां चला गया यहां पहले होल था अब यहां होल बन गया यहां होल बन गया यहां ठीक है इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया इलेक्ट्रॉन ये होल ये होल ये इलेक्ट्रॉन ठीक है हाँ तो हमने क्या कहा कि जो टोटल करंट है जो टोटल करंट है कहानी में कथा में सिचुएशन में जो टोटल करंट है वो किसके किसके कारण है किस किस के कारण है वो है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण वो है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण टोटल करंट जो कहानी में है उसमें इलेक्ट्रॉन का भी योगदान है और होल का भी योगदान है कैसे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ये उठ के यहाँ चला गया या तो मैं ऐसा बोल दूँ कि होल उठ के इधर आ गया इस हाथ में क्या है कुछ भी नहीं है खालीपन है इस हाथ में पेन है मैं ये बोल दूँ कि पेन लेफ्ट से राइट में चला गया या खालीपन राइट से लेफ्ट में आ गया ठीक है बात को बोलने के तरीके हैं बस चलिए एनर्जी बैंड की अगर हम बात करें जैसे हमने सिलिकॉन की बात की थी है ना सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर सही बताया था मैंने ऑल दो मुझको याद नहीं रहता है ये एटॉमिक नंबर वगैरह फिर भी चलो इसका सही बताया था मैंने याद था मुझे वन एस टू टू एस टू टू पे सिक्स थ्री एस टू थ्री पे सिक्स अब ये जो इनर ऑर्बिट्स हैं इनर एनर्जी लेवल्स हैं इनको तो कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है लेकिन जो बाहर वाले हैं इनमें अंतर आता है इससे यदि दो सिलिकॉन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे यदि ग्रुप ऑफ सिलिकॉन एक दूसरे के पास आएगा मतलब आप इस बात को ऐसे समझो कि आप घर में बैठे हो अकेले तो आप कैसे भी बैठो कहीं भी उठो कहीं भी बैठो ना सोफे पे बैठो पलंग पे बैठो अलमारी पे बैठ जाओ फ्रिज पे बैठ जाओ जब तक मम्मी नहीं है तब तक तो आप कुछ भी कर सकते हो कर सकते हो जिस समय मान लो कि घर में चार मेहमान आ गए तो आपको सोचना पड़ता है अरे यार कहाँ बैठें कैसे बैठें ऐसा करें कि नहीं अरे वैसा करें कि नहीं तो यही डिफरेंस सिलिकॉन के साथ भी क्रिएट होता है जब सिलिकॉन अकेला है तो अलग डिफरेंस अलग बिहेवियर शो करता है लेकिन जब वो किसी के साथ होता है दूसरे सिलिकॉन के साथ होता है ग्रुप में होता है तो वो अलग बिहेवियर शो करता है है ना और ये जो इनर एनर्जी लेवल्स हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स इन पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता है अंतर आएगा ऊपर अंतर आएगा इधर थ्री एस टू थ्री पी सिक्स अब देखो ग्राफ किस किस के बीच में बताया था मैंने ग्राफ बताया था एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेस इंटर एटॉमिक स्पेस का मतलब क्या है दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस दो तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस ठीक है तो जब वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है सी से डी की रेंज में है मतलब सफिशियंट है तो इनके एनर्जी गैप्स मेंटेन्ड है आप उनको नजदीक लाना शुरू करो नजदीक लाना शुरू करो नजदीक लाना शुरू करो इनके एनर्जी गैप आउटर मोस्टेल्स एक एटम को इमेजिन करो एक एटम को इमेजिन करो जैसे मान लो ये दो एटम्स हैं ये दो एटम्स हैं ठीक है सिलिकॉन के तो इनके आसपास इनके शेल्स हैं जब ये काफी दूर हैं तो इनके शेल्स भी काफी दूर हैं लेकिन जब आप इनको नजदीक लाएंगे नजदीक लाएंगे नजदीक लाएंगे नजदीक लाएंगे तो इनके शेल्स ओवरलैप करेंगे इनके जो शेल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे और आखिरी वाले शेल सबसे पहले ओवरलैप करेंगे ना तो आखिरी के जो शेल्स हैं वो ओवरलैप करने के कारण इनके एनर्जी बैंड में डिफरेंस क्रिएट होता है ओवरलैपिंग क्रिएट होता है कैसे होती है ऐसे होती है ओके और उसके बाद आप इतना नज़दीक ले आए कि आपने इनके दो एनर्जी बैंड साफ साफ बता दिए एक है वैलेंस बैंड इसमें कोई कंडक्शन नहीं है और एक है कंडक्शन बैंड और एक सर्टेन एनर्जी डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन को अगर मिल जाए तो वो वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा ठीक है।, है मैं चाहूँगा कि आप इस इस ये चित्र बनाएं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डायग्राम आप लोग बनाएं साथ में बनाते चले ये ना सोचें कि अलग से बैठ के बनाएंगे कीजिए डन चलिए बहुत बढ़िया चलिए तो बातें बढ़ा देते हैं आगे गो हेवी गो हेवी गो देखिए सर आपने ये बताया आपने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है यानी लोअर बैंड में है वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिल्कुल और एक सर्टेन एनर्जी गैप है जो अगर दे दी जाए अगर दे दी जाए तो क्या होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में बिल्कुल अब ये एनर्जी गैप कितनी है यह है डेल्टा ई e, कितनी है डेल्टा ई कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग हमने कहा द लोएस्ट एनर्जी लेवल इन कंडक्शन बैंड टोन एज ईसी एंड द हाइएस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड टोन एज ईवी ईसी लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन ईवी हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच का अंतर <coughs> यानी <coughs> सॉरी वैलेंस का अपर पॉइंट कंडक्शन का लोअर पॉइंट इन दोनों के बीच का अंतर कहलाएगा क्या यह कहलाएगा एनर्जी बैंड गैप ठीक है चलिए बहुत बढ़िया वैलेंस बैंड के बारे में आपने क्या कहा इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज अ लोअर बैंड बिलोंगिंग टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिस बैंड मे बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड विद दी इलेक्ट्रॉन ओके दिस बैंड इज अ नेवर एम्पटी ये कभी भी खाली नहीं होता है कंडक्शन बैंड खाली हो सकता है लेकिन वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होगा इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करेंट वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओके कंडक्शन बैंड की अगर हम बात करें तो, इन दी बैंड डायग्राम ऑफ सेमी कंडक्टर द कंडक्शन बैंड इज एन अपर बैंड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट एट जीरो कैलविन जीरो कैलविन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर बैंड में प्रेजेंट नहीं होगा एट रूम टेम्परेचर दिस बैंड इज आईदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड रूम टेम्परेचर पे ये बैंड या तो खाली होगा या तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ओके इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करेंट इस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी ले सकते हैं और करंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चलिए बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन बहुत शांति एनर्जी गैप क्या है एनर्जी गैप इज द डिफरेंस एनर्जी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द बैलेंस बैंड ये बात हम लोग देख चुके हैं ओके मतलब हाइएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ दी कंडक्शन बैंड इनका डिफरेंस कहलाता है एनर्जी बैंड गैप हेलो 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 सॉरी थोड़ी सी साउंड चली गई थी हाँ तो अब बात कर रहे हैं इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर की इंटरेंसिक के बारे में आपको मैंने क्या बताया इंटरेंसिक के बारे में ये बताया कि चाहे आप सिलिकॉन की बात करें चाहे जर्मेनियम की बात करें ये प्योर सेमी कंडक्टर है इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटी एडेड नहीं है और क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी एडेड नहीं है तो प्योरली जो इसका कंडक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा वो इलेक्ट्रॉन होल फॉर्मेशन के बेसिस पे होगा और कैसे होगा वो फॉर्मेशन वो होगा टेम्परेचर के कारण वो होगा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर रेज करने से इवन एट रूम टेम्परेचर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के बाहर आ गया तो इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के बाहर आ गया तो उस जगह पे क्या क्रिएट हो गया उस जगह पे होल क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ के बाहर निकल गया तो उस लोकेशन पे क्या क्रिएट हो गया कलर दिख रहा है ग्रीन वाला ग्रीन कलर दिख रहा है हाँ तो उस लोकेशन पर क्या क्रिएट हो गया उस लोकेशन पर होल क्रिएट हो गया और फिर मैंने आपको बताया कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस होल में जाएगा फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन उस होल में जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ओके तो हमने कहा कि फॉर जर्मेनियम स्ट्रक्चर द वैलेंस बैंड इज ऑल फुल एनर्जी बैंड गैप पॉइंट सेवन टू ये आपको याद रखना है एंड कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्टी कंडक्शन बैंड खाली होता है सिंस नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन देयर फॉर द जर्मेनियम क्रिस्टल एट जीरो कैलविन एक्ट एज इंसुलेटर जीरो कैलविन पे ये बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर द कंडक्शन इज पॉसिबल इफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ब्रेक अवे फ्रॉम देयर कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकम फ्री द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड क्या कहा उसने कि कब कंडक्शन स्टार्ट हो पाएगा जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करके कंडक्शन के लिए फ्री हो जाए और आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो होगी जर्मेनियम के लिए पॉइंट सेवन टू और सिलिकॉन के लिए पॉइंट वन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है इतनी बातें सभी को क्लियर है चलिए तो बातें बढ़ा देते हैं आगे इवन एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है रूम टेम्परेचर पर भी दर्मल वाइब्रेशंस ऑफ द एटम प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन दैलेंस बैंड थर्मल वाइब्रेशंस के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपने बैंड को छोड़ के निकल जाते हैं बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में निकल लेते हैं ओके ओके कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी ओके okay? हायर द टेम्परेचर लार्जर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहा हमने हायर द टेम्परेचर लार्जर विल बी दंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर टू दंडक्शन बैंड लिविंग बिहाइंड इक्वल नंबर ऑफ फोल्स जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो रहे होंगे और पीछे क्या क्रिएट हो रहे होंगे पीछे क्रिएट हो रहे होंगे होल्स ओके इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर फर्मी लेवल इज अबाउट हाफ वे ऑफ द एनर्जी गैप फर्मी लेवल कितना होता है हाफ वे ऑफ द एनर्जी गैप एनर्जी गैप का आधा क्या होता है फर्मी लेवल समझेंगे अभी हम लोग ओके okay? इतना आप लिख लीजिए काम की बात है लिखते चलिए इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर की अगर हम बात करें बेस्ड ऑन दी बैंड थ्योरी तो हमको क्या पता चला हमको ये पता चला कि इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर में इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर में कोई इंप्योरिटी एडिड नहीं है और अगर कोई इंप्योरिटी एडिड नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ इंटरेंसिक कैरियर्स हैं ओके टोटल नंबर ऑफ़ इंटरेंसिक कैरियर्स हैं वो बेसिकली क्या हैं वो बेसिकली क्या हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो क्या हैं वो हैं होल्स वो हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो क्या हैं वो है होल्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और होल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल और इंटरेंसिक चार्ज कैरियर्स ओके तो हमने क्या कहा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन इंटरनसिक सेमी कंडक्टर इन इंटरेंसिक सेमी कंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होल जिनको हम इंटरेंसिक कैरियर्स कहते हैं एनी इक्वल टू एन एच The number density of electrons in conduction band and the number density of hole in valence band is ni and the number density of intrinsic carrier in the pure semiconductor this is ni any cable number of electron carriers in conduction band nh number of hole carriers in valence band or ni number of intrinsic carriers. It is very difficult to make intrinsic semiconductor because of the difficulty in preparation. ऑफ एक्सट्रीमली प्योर मटीरियल अगर आप एकदम प्योर मटीरियल की बात करें अगर आप लोग प्योर सेमी कंडक्टर डेवलप करने की कोशिश करें जिसमें कोई इम्प्योरिटी एडिट नहीं है और जो सिर्फ रूम टेम्परेचर के बेसिस पे कंडक्शन कर रहा है तो ये एक टफ टास्क होगा और सीधी बात है कि आप मान लो कि हमारे पास एक मटीरियल है जैसे कि ये जो मान लो ये एक चिप है ये मोबाइल जो है ये एक चिप है ओके और इसका कंडक्श इसका यूजेज जो है इसका एप्लीकेशन जो है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे अगर आप हीट अप करते हैं तो कंडक्शन बढ़ रहा है अगर आप ऑल टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्शन और बढ़ रहा है लेकिन क्या इस डिवाइस को मैं प्रैक्टिकली कहीं यूज़ कर सकता हूँ जिसको कंडक्शन में लाने के लिए मुझे हीटअप करना पड़ रहा है तो ये कैसे करेंगे कि आपने टीवी लिया उसको क्या धूप में रख देंगे ले जाके या रूम का टेम्परेचर बढ़ा देंगे चालू करने के लिए तो इस वजह से प्योर सेमी जो है इंट्रेंसिक सेमी जो है उनकी लिमिटेशन है और हमको क्या चाहिए हमें क्या जनरेट करने होंगे हमें जनरेट करने होंगे एक्सट्रेंसिक सेमी ये लिख लीजिए ये लिख लीजिए अब पढ़ते एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर हो गया इतना चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे <laughs> अब चर्चा करते हैं हम लोग एक्स्ट्रेंसिक सेमी एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में क्या होने वाला है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर में इसमें तो अभी कोई भी इंप्योरिटी नहीं है और इसकी वैलेंसी बिल्ड है कंप्लीटेड है लेकिन हमें यह भी पता चला कि इसके कंडक्शन पे लिमिटेशन है इसके कंडक्शन पे लिमिटेशन है क्या लिमिटेशन है लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है कंडक्शन अगर आपको कंडक्शन बढ़ाना है तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा जो इतने फायदे की बात नहीं है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसा किया जाए सॉरी क्यों ना इस प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा किया जाए <coughs> <coughs> इस कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए तो हमने एडअप की इंप्योरिटी हमने इसके अंदर एडअप कर दी इंप्यूरिटी अब किस तरह की इंप्योरिटी हमने एडिट की हम इसमें ऐड कर सकते हैं या तो ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी ओके या तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं ट्राई वैलेंट इंप्यूरिटी जिसकी वैलेंसी तीन है इन सबकी वैलेंसी चार है और हम जो इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं उसकी वैलेंसी तीन है मतलब कि हम एक इलेक्ट्रॉन कम भेज रहे हैं तो वहां पे एक होल हमेशा क्रिएटेड रहेगा मतलब कि नंबर ऑफ होल्स वहां पे ज्यादा होने वाले हैं इसलिए इसको हम कह रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या तो आप भेज सकते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ये दो तरह की इंप्योरिटीज आप लोग भेज सकते हैं उसके बेसिस पे दो तरह के सेमीकंडक्टर क्रिएट होंगे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके <coughs> अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर की तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने क्या कहा कि जब एक प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम को आप डोप करते हैं कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स से पेंटावेलेंट एटम्स से किससे डोप करते हैं पेंटावेलेंट एटम्स से डोप करते हैं क्या होते हैं पेंटावेलेंट एटम्स या तो आर्सेनिक और या तो ओके या तो एंटीमैनी बिस्मत कोई भी ले सकते हैं जिसके पास पांच वैलेंसी है तो क्या होगा जो इंप्योरिटी एटम होगा वो रिप्लेस करेगा सिलिकॉन जर्मेनियम में से किसी को जो भी आपने लिया है उसमें से क्या किया देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर मान लो आपने सिलिकॉन लेके रखा है तो सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किसने आरसेनिक ने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किसने आरसेनिक ने सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया किसने आरसेनिक ने ये सारे सिलिकॉन से, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन ये सिलिकॉन, सिलिकॉन, है ना सिलिकॉन 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 और ये क्या है ये आर्सेनिक है आर्सेनिक के पास क्या है पेंटा बैलेंसी है मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन उसके पास हमेशा ज्यादा रहेगा जिस वजह से क्या हुआ जिस वजह से जिस वजह से क्या हुआ जिस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिचुएशन में बढ़ गए ओके तो द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड विद द पेरेंट इंप्यूरिटी एटम एंड इज कंपैरेटिवली फ्री टू मूव दस ईच इंप्योरिटी एटम एडेड डोनेट्स 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 वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर दीज इम्प्योरिटी एटम्स विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डोनर एटम्स डोनर ने क्या किया डोनर ने डोनेट किया क्या डोनेट की एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इंप्योरिटी डोनेट कर दी जिस वजह से कहानी में क्या बढ़ गए नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए क्या कहा आपने इस तरह के सेमी uh, कंडक्टर को एन टाइप सेमी कंडक्टर अब अगर हम बात करें पी टाइप सेमी कंडक्टर की तो नाम से समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ होल्स आपको बढ़ाने हैं तो आप जो इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे वो कैसी होगी जो इम्प्यूरिटी आप ऐड करेंगे वो होगी ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी जैसे कि गेलियम इंडियम बोरॉन ओके या तो एल्यूमिनियम इस प्रकार का आप लोग इंप्यूरिटी ऐड कर सकते हैं अब ये देखो ये रहा जर्मेनियम ये रहा जर्मेनियम ये रहा जर्मेनियम है ना जर्मेनियम 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 और आपने क्या ऐड कर दिया आपने क्या ऐड कर दिया आपने इम्प्यूरिटी ऐड कर दी आपने क्या ऐड कर दिया आपने इ्प्यूरिटी ऐड कर दी कैसी इंप्यूरिटी ऐड कर दी आपने ट्राइवेलेंट इंट ऐड करी तो इसके पास क्या है इसके पास एक एडिशनल होल है कहानी में आपके पास क्या है आपके पास एक एडिशनल होल है एक होल क्रिएटेड है सिचुएशन में ये रहा होल क्रिएटेड इन सिचुएशन ओके ये रहा होल क्रिएटेड इन दिचुएशन मतलब नंबर ऑफ होल्स कहानी में बढ़ चुके हैं एस कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या है ये क्या है मेरे भाई किस तरह की इंप्यूरिटी ऐड करी आप लोगों ने अपने ट्राइव इंप्यूरिटी ऐड करी थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंप्यूरिटी एटम विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाई शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द्री एम ऑफ जर्मेनियम वाइल देयर विल बी वन इनकंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड विदरिंग जर्मेनियम एटम टू द डेफिशियक्ट्रॉन ये जो डेफिशिय क्रिएट हुई है मतलब इसने ये कहा कि आपने ट्राइवल इंड इम्प्यूटिटी भेजी तो तीन इलेक्ट्रॉन आए हैं और इसके पास चार हैं तो चार में से तीन की तो जोड़ी बन गई लेकिन एक अभी भी खाली बचा हुआ है तो जो एक खाली बचा हुआ है, तो बचा हुआ है वो क्या है वो क्या है वो डेफिशियक्ट्रॉन है वो होल है ओके तो इस वजह से यहाँ पे, यहाँ पे जो पूरा आपका मेकेजम है यह होल डोमिनेटेड हो गया ओके चलिए बहुत बढ़िया बातें बढ़ाते हैं ये सवाल पढ़ो जरा कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच देर वैलेंस एंड कंडक्शन बॉन्ड्स पैंट्स होना चाहिए आर सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप रिप्रेजेंटेड ईजी, ई जी एस ईजी, जी ई सी होगा सी दिस मस्ट बी कार्बन ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू ये सब सी है दिस इज सी कार्बन कार्बन देखो कार्बन को हमने क्यों नहीं यूज़ किया उसका रीज़न मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि कार्बन ना यूज करने का कारण क्या है कार्ब, कार्बन की भी ही चार है लेकिन फिर भी हम उसको यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका एनर्जी गैप जो है ना वो ज्यादा है कार्बन का एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा है जिस वजह से आप इसको सूटेबली यूज़ नहीं कर सकते कंडक्शन में हेल्प नहीं करवा पाएगा ये कार्बन का स्ट्रक्चर छोटा है कार्बन में अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर जिस वजह से इतनी आसानी से वो अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे ठीक है इसलिए हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करते हैं ये पढ़ो सवाल इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटीरियल शोन बिलो द वन सर्कल्स एंड फिल्ड सर्कल्स डिनोट होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेडली रिस्पेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे होल्स हैं होल 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 बहुत बढ़िया और कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं वैलेंस बैंड में ठीक है क्या पूछा जा रहा है आपसे क्या पूछा जा रहा है द मटीरियल इज़ ये मटीरियल क्या है ये मटीरियल क्या है इस तरह के मटीरियल में बैलेंस बैंड में होल्स और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमको मालूम है कि एक इंसुलेटर का वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है और एक आ, एक इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होता है ये कंडक्शन बैंड है ये बैलेंस बैंड है आपसे ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का मटीरियल है किस प्रकार का ये मटीरियल है जिसमें के बैलेंस बैंड में होल्स हैं बैलेंस बैंड में होल्स हैं और जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या आंसर देंगे आप लोग ए बी सी डी जल्दी बताइए दिख रहे हैं ऑप्शंस जल्दी बताइए चैट में अपना आंसर क्विक तो क्या ये इंसुलेटर है नहीं सर इंसुलेटर में तो कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए था क्या ये मेटल है नहीं सर मेटल में तो कंडक्शन बैंड फिल्ड होना चाहिए था तो ये क्या है ये सेमीकंडक्टर है बिल्कुल अब सेमीकंडक्टर तो है लेकिन किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है ये कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देख के हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ होल्स हमको दिख रहा है कि नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड इज़ ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड तो होल डोमिनेटिंग क्या होता है सर ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो हमने आंसर दे दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं चाह रहा था कि ये आंसर आप लोग खुद दें और आपने बहुत सारे लोगों ने सही सोचा भी होगा है ना तो जिन लोगों ने सही सोचा था वो अपना नाम लिख दें चैट में जिन्होंने ये बात सही सोच ली थी वो अपना नाम लिख दें चैट में चलिए अब बात करते हैं पीएन जंक्शन की पीएन जंक्शन बेसिकली क्या होता है कि आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया आपने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया आपने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया या बिल्कुल लिया और आपने क्या कर दिया उनको ज्वाइन कर दिया एकदम चिपका के तेजी से जोर से मस्त एकदम इनको टाइट आपने मोलिकुलर लेवल पे पॉलिशिंग करके चिपका दिया तो क्या होता है देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी ऑफ होल्स हैं सारे है? है ना और एन टाइप सेमी कंडक्टर में ए, इसने गड़बड़ कर दी है बनाने स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ है मैं आपको बता रहा हूँ सही स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ है ना वहाँ पे थोड़ा सा सिंबल्स की गलती हो गई है आप यहाँ देखो आप ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मेजॉरिटी क्या है होल्स है मेजॉरिटी बिल्कुल होल्स है मेजॉरिटी मेजॉरिटी होल्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे ही आप इनको ज्वाइन करते हैं पॉलिशिंग करके आपने प्रेस किया ज्वाइन किया वैसे ही क्या हुआ वैसे ही क्या हुआ वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइट छोड़ के यहाँ निकल गए अपनी साइट छोड़ के यहाँ निकल गए और इलेक्ट्रॉन्स अगर अपनी साइट छोड़ के चले गए तो यहाँ पे क्रिएट हो गया होल यहाँ पे क्रिएट हो गया होल और यहाँ पे आ गए कौन यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए कौन पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है ठीक है इतनी बात और ये प्रक्रिया जो है ये मोशन जो है ये कहलाता है डिफ्यूजन ये प्रक्रिया जो है ये मोशन जो है ये कहलाता है डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप से निकल के जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में और यहां पे क्रिएट हो रहे हैं होल्स ठीक है और ये जो लेयर क्रिएट हुई है ये जो रीजन क्रिएट हुआ है ये कहलाता है डिप्लीशन रीजन क्या कहलाता है ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है और ये कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड ये कहलाता है पी एन जंक्शन डायोड ओके तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मीनियम और सिलिकॉन टोब्ड इन सच अ मैनर दैट वन हाफ पोर्शन एक्ट्स एज पी टाइप एंड द अदर एक्ट एज दाइप सेमी कंडक्टर द टर्म जंक्शन इंप्लाइज द बाउंड्री और द रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन एन एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर मटीरियल द टू सेपरेट सेमी कंडक्टर कैन नॉट हैव अ कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट एट द एटोमिकवल अगर हम दो सेपरेट सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो इनको आप कितनी भी पॉलिशिंग कर दें अटोमिक लेवल पर इनका कॉन्टेक्ट पॉसिबल नहीं है अब पी एन जंक्शन इज द की टू ऑल सेमी कंडक्टर डिवाइस पी एन जंक्शन को हम लोग कई जगहों पर यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर एज अब आप लोग देखेंगे जेनर डायोड डिपेंडिंग अपॉन द बायसिंग हम लोग इनकी बायसिंग करते हैं बायसिंग के बेसिस पे इनका हम लोग यूजेज समझेंगे अभी ओके तो ये चित्र बना लीजिए यहाँ पे दो फिनोमिना इंपॉर्टेंट है एक फिनोमिना मैंने आपको बताया डिफ्यूजन जो कि हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप में और होल्स का एन टाइप सेमी में ठीक है ये प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन लेकिन क्या होता है कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जा चुके हैं जब होल्स एन टाइप में आ चुके हैं तो दोनों लेयर्स में दोनों रीजन्स में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है दोनों लेयर्स में दोनों रीजन्स में एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होती है जिसकी वजह से इस रीजन में इस डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ओ सॉरी क्या बनेगा क्योंकि होल्स इस तरफ है ना ऐसी बनेगी ये होल्स है ना ये इलेक्ट्रॉन्स है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा कि फर्दर यदि कोई इलेक्ट्रॉन फर्दर यदि कोई इलेक्ट्रॉन एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन में जाने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव है वो इसको वापस खींच लेगी वो इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगी और कहाँ भेज देगी और भेज देगी वापस से पीछे तो इलेक्ट्रॉन जो आगे जाने की इच्छा रख रहा था वापस चला गया पीछे ये मैकेनिज़्म कहलाएगा ड्रिफ्ट ये मैकेनिज्म कहलाएगा ड्रिफ्ट क्या कहलाएगा ये ये कहलाएगा ड्रिफ्ट तो एक मोशन आपने बताया डिफ्यूजन और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैकेनिज्म चल रहा है ड्रिफ्ट कंटिन्यूसली ये दो मैकेनिज्म चलते हैं पीएन जंक्शन में एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट ठीक है नोट कर लीजिए सभी लोग सभी लोग नोट कर लीजिए जल्दी चलिए बहुत बढ़िया अब अगर हम बात करें पी एन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के ओके okay? तो so, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व है हमने क्या कहा कि इसमें दो महत्वपूर्ण प्रोसेस इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन और वो हैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या हैं वो प्रोसेस वो हैं डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट द स्मॉल रीजन इन ऑफ जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज एंड हैज़ ओनली इम मोबाइल कैरियर्स इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन क्या कहा हमने डिप्ल्यूशन रीजन में डिप्ल्यूशन रीजन में डिपल्यूशन रीजन में डिपल्यूशन रीजन में, में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं हैं टिपल्यूशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है ओके डिप्लीशन रीजन में क्या है इम मोबाइल आयंस जिस वजह से डिप्लीशन रीजन का रेजिस्टेंस होता है हाई ये बात आप लिखना इंपॉर्टेंट है दूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन पी टाइप रीजन एंड एन टाइप रीजन सेटअप अ बैरियर पोटेंशियल पी टाइप में इलेक्ट्रॉन आ गए एन टाइप में होल आ गए तो ये बैरियर पोटेंशियल बना दिया और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिप्लीशन रीजन का यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिप्लीशन रीजन का ये कहलाता है बैरियर पोटेंशियल ये कहलाता है बैरियर पोटेंशियल ये कहलाता है क्या कहलाता है बैरियर पोटेंशियल नोट कर लीजिए काम की बात है नोट कर लो जरा काम की बात है क्विक चलो हो गई इतनी बातें चर्चा बढ़ाते हैं आगे लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड की पहले तो इसका सिंबल देख लो सिंबल देख लो हमने क्या बताया कि डिफ्यूजन जो होता है उसमें क्या हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में आ रहे हैं मतलब डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन गिव्स एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड द डिफ्यूजन करंट इसी तरह से अगर आप बात करो मोशन किसका इलेक्ट्रॉन का कहां से जब वो एन से पी आ रहा होगा तो फील्ड ने उसको वापस खींच लिया मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन पी से एन अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करो पी से N और फील्ड के मोशन की बात करो सॉरी होल के मोशन की बात करो एन से पी तो ये कहलाएगा ड्रिफ्ट द करंट सेट अप बाय द बैरियर फील्ड फ्रॉम एन टू पी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट डायोड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यह रिप्रेजेंटेशन एक डायोड का दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायोड, ओके दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायोड बना लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ़ पीएन जंक्शन डायोड। हम लोगों को पीएन जंक्शन की वर्किंग करवाने के लिए करनी पड़ती है बायसिंग बायसिंग क्या होती है बायसिंग का मतलब होता है कि आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है आपने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया आपने इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया ओके जैसे कि ये डायोड है आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया अब दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो आप आप इसको दो तरह से कनेक्ट कर सकते हो पहला तरीका हो सकता है कि जो पी टाइप है उसको आपने पॉजिटिव से और जो एंड टाइप है उसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लीशन लेयर का पोटेंशियल है जो बैरियर पोटेंशियल है वो घटेगा जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो घटेगी क्यों घटेगी क्यों घटेगी क्योंकि आपने पॉजिटिव को P से कनेक्ट किया यहाँ पे से रिपल्शन होगा नेगेटिव को एन से कनेक्ट किया यहां से रिपल्शन होगा बैरियर थिकनेस घटेगी बैरियर पोटेंशियल सॉरी कम होगा बैरियर पोटेंशियल कम होगा, ओके, बैरियर पोटेंशियल घटेगा बैरियर पोटेंशियल कम होगा देख रहे हैं आप लोग डिप्लीशन है, सॉरी सॉरी ज्यादा सर्दी हो रखी है मुझे इसलिए थोड़ी आज आपको एनर्जी लेवल में मेरी भी एनर्जी लेवल में डिफरेंस फील हो रहा होगा एनी वेज लेट्स कम बैक टू द पॉइंट फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन की अगर हमने बात करी तो क्या हुआ इसमें इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वी बी माइनस वी एंड हैंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीज वो भी डिक्रीज हुई दूसरी बात मेजोरिटी चार्ज कैरियर दैट इज़ होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड बिगिन टू फ्लो टूवर्ड्स द जंक्शन

इमोबाइल कैरियर है उनका अमाउंट कम हुआ है मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कम हुआ है ओके वेन वी एक्सीड्स वी बी दिटी कैरियर्स स्टार्ट फ्लोइंग अक्रॉस द जंक्शन एंड सेटअप अ लार्ज करंट कॉल्ड द फॉरवर्ड करंट जब आपने पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा लगा दिया तो चार्ज कैरियर्स ईजिली फ्लो होने लगते हैं अक्रॉस द जंक्शन और ये करंट डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट जिसको हम कहते हैं क्या फॉरवर्ड <coughs> करेंट अगर मैं रिवर्स बायसिंग की बात करूं तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है रिवर्स बायसिंग में आपने रिवर्स बायसिंग में आपने पी को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से पी को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव से को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव से और एन को कनेक्ट कर दिया आपने किससे पॉजिटिव से तो इसमें क्या होगा इसमें इसमें इसमें, इसमें negative, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ओके तो जो डिप्लीशन लेयर है जो डिप्लीशन विथ इंक्रीज होगी जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होगी इनक्रीज होगी बिल्कुल इंक्रीज होगी बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज होगा बिल्कुल इंक्रीज होगा बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा ओके okay? तो इस तरह के कनेक्शन को आप क्या कहेंगे रिवर्स बायस कंडीशन और अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हुई डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज़ हुई बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा बिल्कुल इंक्रीज होगा इसलिए रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो क्या कह दिया हम लोगों ने हम लोगों ने कह दिया द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द डिप्लीशन लेयर रेजिस्टेंस बिकम वेरी लार्ज नो करेंट फ्लोज अक्रॉस the जंक्शन मतलब रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा किसके कारण मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण ये बात याद रखना ठीक है सभी लोग तो यदि इस, तर, इस तरह का आपको एक सवाल दे दिया जाए तो इसमें आप देखेंगे क्या आप देखेंगे बैटरी फोर डायोड किस तरह से कनेक्टेड है पी टाइप सेमी फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है पॉजिटिव पी टाइप से नेगेटिव एन टाइप से कनेक्टेड है तो ये है फॉरवर्ड बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करेगा नॉर्मली आप लोग बैटरी को सेटअप uh, को सर्किट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे और आप आंसर निकाल देंगे दिस इज हंड्रेड दिस इज फोर पॉइंट फाइव आपको क्या निकालना है आपको क्या निकालना है डायोड के अक्रॉस भी पोटेंशियल आपको दे के रखा हुआ है पॉइंट फाइव डायोड के अक्रॉस का पोटेंशियल आपको दे के रखा है पॉइंट फाइव तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा चार वोल्ट का चार वोल्ट का ठीक है दिस इज फोर पॉइंट फाइव दिस इज पॉइंट फाइव दिस इज फोर वोल्ट तो आप लोग करंट कितना बता देंगे करंट आप बता देंगे V डिवाइडेड बाई R, I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R, सॉरी फोर डिवाइडेड बाई R, फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड यानी कितना आ जाएगा ये पॉइंट जीरो फोर एम्पियर फोटी मिली एम्पियर सॉरी है ना फोर्टी मिली एम्पियर इन टू टेन डिवाइडेड बाई टेन ये आ गए आपके साथ ओके इसी प्रकार से अगर मैं इस डायोड को रिवर्स कनेक्ट कर देता तो वो कोई करंट फ्लो नहीं करने देता ठीक है तो चलिए डिस्कशन यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कुछ बातें अभी और बची हुई हैं जो मुझे आपको बतानी है मुझे आपको रेक्टिफायर बताना है और लॉजिक गेट्स बताना है मुझे आपको क्या बताना है अभी रेक्टिफायर और लॉजिक गेट्स और न्यूक्लियाई का बचा हुआ है न्यूक्लियाई का बचा हुआ है रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी और अभी सेमीकंडक्टर का बचा हुआ है सेमीकंडक्टर का पार्ट बचा हुआ है क्या सेमीकंडक्टर का पार्ट बचा है लॉजिक गेट्स एंड रेक्टिफायर्स और कुछ डिवाइजेस बेस्ड अपॉन दी सेमी कंडक्टर और कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर पोटेंशियो मीटर भी पढ़ाओ तो नेक्स्ट लेक्चर मैं बना रहा हूँ मिसलिनियस टॉपिक्स पे जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को एडअप्ट कर दूंगा तो अगले लेक्चर में आपको ये जो बचे हुए पार्ट हैं पोटेंशियोमीटर, रेडियो एक्टिविटी और लॉजिक गेट्स ये मैं आपको बना के मिसलिनियस के नाम से दे दूंगा ठीक है तब तक के लिए सभी लोग रिवाइज़ कीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए है। मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए सभी लोग ओके टाटा बाय थैंक यू टेक केयर